Good morning, students. My name is Deepa Gar, your assistant teacher. Today I will teach you chapter 7, India climate, natural vegetation and wildlife. जिस चैप्टर के हम स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड पार्ट स्टडी करा चुके होंगे तो आई थिंक सभी को चैप्टर इजी लगा होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ हम लेते हैं इस चैप्टर का पार्ट थर्ड। अच्छे से आपको वीडियो को वॉच करना है, चैप्टर को समझना है। हमारा टॉपिक चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या था? कंजर्वेशन ऑफ इन वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वनों का संरक्षण, जिसके अंदर हम स्टडी कर चुके थे कि हंटिंग वाइल्ड एनिमल फॉर फूड एंड स्किन्स हैज एंडेंजर अ लॉट ऑफ एनिमल, मैनी ऑफ विच आर एक्सटेंट वाइल मैनी अदर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर, डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड अ लॉट ऑफ हार्म टू वाइल्ड लाइफ। तो हमारा जो जीवन होता है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों से वृक्ष पर ही डिपेंड होता है। वृक्षों से हमें ऑक्सीजन, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, रबड़ और बहुत सारी चीज़ें हमें पौधों से ही मिलती हैं। इसके अलग पर्यावरण की रक्षा भी होती है, विभिन्न जंतुओं को, पक्षियों को, कीटों को रहने का स्थान भी मिलता है। एक आदर्श रूप में अगर हम देखें तो क्या होता है कि वनों के संरक्षण में पौधों को संरक्षण प्राप्त हो सके, सरकार नए नए पौधे भी लगा रही है, कई सामाजिक समितियां भी इस कार्य को सहयोग कर पा रही हैं। तो इसी के साथ आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आई थिंक सभी को कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट समझ आया होगा। इसी के साथ हम करते हैं आज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी हंटिंग वाइल्ड एनिमल। भारत में के वन्य जीवन में, भारत के वन्य जीवन में जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं पौधों से, वन्य जीवन में व्यापक विविधता होते हुए भी यहाँ वनों में जंतु, पक्षी, कीट, मछलियाँ तथा सरीसृप, लॉट ऑफ एनिमल मैनी विच आर ऑलरेडी एक्सटेंट वाइल मैनी अदर्स आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो मछलियाँ तथा सरीसृप आदि चीज़ें रहती हैं, ऐसी कई प्रजातियाँ असाधारण हैं, जैसे हमारी बारहसिंगा। सबसे पहले हम जानते हैं भारत का जो वन्य जीवन है वो किस प्रकार का है। इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ इज इक्वली डिवर्स विच कंप्राइज एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स। Of these species or peculiar in to India such as swamp deer, four-horned antelope, Kashmir stag, one-horned rhinoceros, Indian lion, Indian bison and many more। तो भारत के वन्य जीवन में व्यापक विविधता है। यहाँ के वनों में जंतु, पक्षी, कीट, मछलियाँ तथा सरीसृप आदि अच्छे से रहते हैं। ऐसी कई प्रजातियाँ असाधारण हैं, जैसे बारहसिंगा, चिकारा, कश्मीरी मृग, चीता, नील गाय और एक सिंग वाला गैंडा, भारतीय बिसन आदि, ये सब हमारे इस वन्य जीवन में अलग होते हुए भी एक समान है। तो भोजन और खाल के लिए हमारा हंटिंग वाइल्ड एनिमल और फॉर फूड, भोजन के लिए, इसके खाल के लिए। तो भोजन और खाल के लिए वन्य जंतुओं के अंधाधुंध शिकार से कई जंतु प्रजातियां संकटग्रस्त हैं।
मैनी ऑफ विच एक्सीडेंट वाइल्ड मैनी अदर आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, कई विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने के कगार पर भी हैं। वनों के कटान, डिफोरेस्टेशन वनों के कटान, कटान और भवन निर्माण जैसे क्रियाकलापों में भी वन्य जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। लोटोफार अत्यधिक, तो जो वनों का कटना होता है उसके कारण और नए नए जो बिल्डिंग बनती जा रही हैं खेतों को काट करके, उसके कारण भी वन्य जीवन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुआ है। स्टूडेंट्स, आप सभी इंडिया के मैप को देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, जहाँ भी आप इसमें देखेंगे जो ट्रायंगल शेप में इंडिकेट करते हुए हैं वो हमारे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क हैं। जैसे आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, डेजर्ट एनपी देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा राउंड में दिया हुआ रेड कलर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो रेड कलर के जो हैं वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर पार्ट है ब्लू, जिसमें आप देख रहे हैं बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट रेक्टेंगल पार्ट में आप देख रहे हैं टाइगर सेंचुरी है हमारा। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं जो ट्रायंगल में है हमारा वो है हमारा वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। इसे कहते हैं वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी वन्य जीव अभयारण्य, और जो हमारा बर्ड सेंचुरी है यानी कि पक्षी अभयारण्य, और जो बाघ हमारा टाइगर सेंचुरी है वो है हमारा बाघ अभयारण्य। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक इंडिया का मैप लेकर के इसी तरह का मैप अपनी कॉपी में, इट मीन्स नोटबुक में पेस्ट करना है, और आपको इंडिकेट भी करना है कि क्या होते हैं हमारे, किस तरह के कलर से हमने इसको फिल किया है। आपको एज इट इज मैप को फिल करना है और इन सब चीज़ों को याद भी करना है कि नेशनल पार्क कौन से हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, बर्ड सेंचुरी कौन सी है और टाइगर सेंचुरी कौन सी है। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व लाइफ वाइल्ड लाइफ। For this purpose, the national park and wildlife sanctuaries have been set up in different parts of India. At present, there are more than 166 national park. How many national parks? 166 national park, at least 551 wildlife sanctuaries and 48 tiger reserve in India. Killing of animal and cutting down the trees has been banned in these parks and sanctuaries in order to provide secure habitat to wildlife. Hunting of many animals has been banned by the law. You on your part can also help to conserve wildlife. You can refuse to buy things which are made from the animals' parts. The Wildlife Week is observed in the first week of October every year. You can tell the importance of wildlife to the people during this week. तो जो हमारा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, देश के विभिन्न राष्ट्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य अभयारण्यों की सीमाएं निर्धारित की हैं। वर्तमान समय में भारत में लगभग हमारे 166 नेशनल पार्क्स हैं और 551 हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान हमारे नेशनल पार्क्स राष्ट्रीय उद्यान, और जो हमारे 551 है वो हमारी वन्य अभयारण्य है, और 48 टाइगर सेंचुरी यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं को मारना और वनों को काटना निषिद्ध है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कई जंतुओं का शिकार कानूनन अपराध भी है। यू ऑन योर पार्ट, आप भी जंतुओं के अंगों से बनी हुई वस्तुओं की ने खरीद कर वन्य जीवन संरक्षण में अपना सहयोग दे सकते हैं। हर साल
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को, जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है, उसको वाइल्ड लाइफ वीक कह करके सेलिब्रेट किया जाता है, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यू कैन टेल द इम्पोर्टेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ टू द पीपल ड्यूरिंग दिस वीक। इस सप्ताह में आप लोगों को वन्य जीवन का महत्व समझा सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर एंड होता है। आई थिंक सभी को चैप्टर वीडियो से समझ आया होगा। इसके बाद भी आपको अपनी बुक स्टडी करनी है, वीडियो को अच्छे से लेसन करना है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आते हैं उन सबको आपको लर्न करना है। आपको जैसे टीचर ने बताया है वैसे ही आपको मैप फिल करना है, उन्हीं कलर से इंडिकेट करना है। आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे की टर्म्स, ये आपको वीडियो में पहले भी बताए हुए हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट, व्हाट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट? अ क्लाइमेट विद एक्सट्रीम कोल्ड इन विंटर एंड एक्सट्रीम हॉट इन समर। उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऐसी जलवायु जिसमें सर्दी और बहुत और गर्मी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट होता है इक्वल क्लाइमेट, अ क्लाइमेट विद मॉडरेट टेम्परेचर इन बोथ विंटर एंड समर। समशीतोष्ण जलवायु, ऐसी जलवायु जिसमें सर्दी व गर्मी मौसम लगभग एक जैसा रहता है। लू, व्हाट इज लू? अ हॉट एंड ड्राई विंड, जो हमारी गर्म और ठंडी हवा होती है उसको हम कहते हैं लू। नेक्स्ट होता है हमारा मैंगो शावर्स, तो मैंगो शावर क्या था? हमारा आम वर्षा। केरल और पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में गर्मी में होने वाली जो वर्षा होती है उसे कहते हैं हम मैंगो शावर। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, तो जो हमारी वृक्ष झाड़ी घास जो प्राकृतिक वातावरण में उगते हैं वो हमारी कहलाती है नेचुरल वेजिटेशन। राष्ट्रीय उद्यान हमारे नेशनल पार्क, अभी आपको ऊपर ही बताया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी नेशनल उद्यान, तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान तो हुए वह क्षेत्र जो वृक्षों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास के रूप में संरक्षित होते हैं। और वन्य जीव अभयारण्य, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास के रूप में संरक्षित होते हैं। थैंक यू एवरीवन।